Okay, so in the last class we saw the advantages of the microstrip antenna. So in order to understand the performance and characteristic of the microstrip antenna, we should have very good knowledge about reflection, reflection coefficient, return loss, VSWR, and return loss characteristic. What is impedance bandwidth? वॉट इज़ फ्रैक्शनल बैंड विद वाट इज रेडिएशन पैटर्न बैंड विथ दीज टर्मिनोलॉजीज आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द केस ऑफ एंटीना सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हम रिफ्लैक्शन समझते हैं कि दिस इज नथिंग बट इट्स अ ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ टू कंडक्टर सिस्टम और यहाँ पर देखिए एक इंड किससे कनेक्टेड है सोर्स से और दूसरा इंट किससे कनेक्टेड है लोड से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ है लोड की तरफ है तो मतलब मैंने यहाँ एल की वैल्यू क्या रख दी ज़ीरो रख दी एल की वैल्यू ज़ीरो मतलब ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ पर है लोड पर है मैं हमेशा ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से एनालाइज़ करता हूँ लोड की तरफ से एनालाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जेड नॉट क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है और कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स ऑन द बेसिक करेक्टर्स बेसिक करेक्टर्स क्या होते हैं आर एल जी सी अब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में करेंट और वोल्टेज जो होते हैं इन ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव तो देखिए यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में दो तरीके की वेव होते हैं एक वेव जो सोर्स से लोड की तरफ लोड की तरफ ट्रेवल करती है दैट इज़ नोन एज़ फॉरवर्ड वेव और इसको मैं कभी कभी इंसिडेंट वेव भी बोलता हूँ एक वेव जो कि लोड से सोर्स की तरफ चलती है दैट इज़ नोन एज़ बैकवर्ड वेव या कि इसको कभी कभी मैं रिफ्लेक्टेड वेव भी बोल देता हूँ चलिए इस इक्वेशन को देखिए वोल्टेज इज़ द फंक्शन ऑफ एल एल मतलब लोकेशन यदि मैंने एल की वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो आपकी लोकेशन कहाँ पर है लोड पर है ये इक्वेशन आपसे कुछ बोलता है क्या बोलता है ये इक्वेशन कि टोटल वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव का बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव के वोल्टेज के सम के इक्वल होगा चलिए अच्छे से समझते हैं ये इस वोल्टेज की इक्वेशन में देखिए वी प्लस ई पावर गामा एल ये कौन सी वेव है फॉरवर्ड वेव है ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल करेगी ये कौन सी वेव है बैकवर्ड वेव है ये बैकवर्ड वेव कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी लोड से सोर्स की तरफ चलेगी गामा क्या है यहाँ पर गामा यहाँ पर प्रपोगेशन कांस्टेंट है और गामा की गामा को यदि आप देखिए तो गामा क्या है अल्फा प्लस जे बीटा गामा एक तरीके का क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा क्या बोलते हैं एटिनुएसन कांस्टेंट बोलते हैं व्हाट इज एटिनुएसन एटिनुएसन क्या होता है यदि सिग्नल का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं एटिनुएसन हो रहा है या कि इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड इज़ नोन एज एटिन्यूएसन और ये बीटा क्या है फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट है चलिए तो यहाँ पे मैंने बोला वोल्टेज एट एनी लोकेशन यदि एल की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी प्लस प्लस वी माइनस तो यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज किसी भी लोकेशन पर दो वेव का सम होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव का सम होगा चलिए बीच में रख देते हैं ये सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक की कि डिस्टेंस कितनी फाइव मीटर है तो v5 फाइव इजिकल टू क्या होगा v प्लस ई पावर गामा फाइव वी माइनस ई पावर माइनस गामा फाइव तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी लोकेशन पर वोल्टेज किसका किसका सम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव का तो अब चलिए रिफ्लेक्शन कोफिशियंट के बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इज इज नथिंग बट इट्स इट्स अ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड वेव या बैकवर्ड वेव भी बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसीडेंट वेव ये देखिए ये इंसीडेंट वेव या कि फॉरवर्ड वेव है तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसीडेंट वेव इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो v माइनस वी प्लस ई पावरगामा एल को ऊपर ला ले, लेके जाइए ई पावर माइनस टू गामा एल गामा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस जे बीटा पुट करिए वी माइनस वी प्लस ई पावर माइनस टू अल्फ़ा एल ई पावर माइनस टू जे बीटा एल ये वाला एल इस ऑब्जर्वर के लिए था इसको इससे मिक्स मत करिएगा अच्छा एल की वैल्यू जीरो पुट कर दिया मतलब आपकी लोकेशन कहाँ पर है सोर्स पे है तो मैंने एल की वैल्यू ज़ीरो पुट किया तो गामा जीरो इजिकल टू वी माइनस ओव, ओवर वी प्लस यहाँ पे एल की वैल्यू जीट जीरो जीरो पुट कर दीजिए यहाँ पे भी जीरो पुट कर दिए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा वी माइनस वी प्लस अच्छा गामा जीरो इसको क्या बोलते हैं गामा जीरो मतलब आप कहाँ पर हैं लोड पर हैं इसको मैंने किससे दिखा दिया गामा एल इसको पढ़ते क्या हैं रिफ्लेक्शन कोफ़िशेंट एट लोड अच्छा कभी आपने ट्रांसमिशन लाइन में ये जरूर देखा होगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट एट लोड इज़ गिवन बाई जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट तो सबसे पहले बात तो समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है कभी भी ट्रांसमिशन लाइन और लोड का इम्पीडेंस यदि मैच नहीं करे तो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट होगी रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि एक वेव जो कि लोड से सोर्स की तरफ चलेगी वो क्या होगी प्रेजेंट होगी अच्छा जेड एल माइनस जेड ये के इसका करेक्ट्रिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट है इसका भी जेड एल को जेड नॉट के इक्वल कर दीजिए तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट ओवर जेड जेड नॉट प्लस जेड नॉट मतलब जेड एल की वैल्यू जेड नॉट पुट कर दीजिए <coughs> तो क्या रिफ्लेक्शन होगा आंसर इज़ नो तो क्या रिफ्लेक्टेड वेव इज रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट होगी आंसर इज नो मतलब यहाँ पर मैचिंग है जहाँ पे दोनों का इम्पिडेंस मैच कर रहा वहाँ कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसलिए देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से तो देखते हैं चलिए यहाँ पे देखिए आपने कभी इस रिलेशन को देखा होगा दिस रिलेशन इज़ नोन एज इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन मेरे ट्रांसमिशन लाइन के लेक्चर में चले जाइए वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो इसका मीनिंग क्या है एम्पीडेंस एट एनी लोकेशन एम्पीडेंस एट एनी लोकेशन इज गिवन बाई एम्पीडेंस एट एनी लोकेशन क्यों बोला कि इसलिए बोला कि आपने आप ये पिछले पेज में देखे कि वोल्टेज भी सभी लोकेशन पे चेंज हो रहा है करंट भी सभी लोकेसन पर चेंज हो रहा है तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है एम्पीडेंस तो एम्पीडेंस भी सभी लोकेशन पर क्या होगा चेंज होगा तो जेड नॉट वन प्लस मॉड गएल ई पावर जे थ्री टाइल माइनस टू बी टाइल इस फार्मूला पे बहुत लोड नहीं लेना है आपको सिर्फ ये समझना है कि ये चीज़ कहाँ से आई देखिए मॉड गल ई पावर जे थीटा एल की जगह गामा गाइल लिख सकते हैं क्यों क्योंकि इस गामा एल को देखिए आप ये गामा एल बेसिकली कैसा है कैसा क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है चलिए आप इस फार्मूला को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं गामा एल लिख दिया अच्छा यहाँ पर एक काम करिए ये गामाइल की वैल्यू इस गाइल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी गामा एल के तो देखिए ये वैल्यू प्रेजेंट है क्या इस इक्वेशन में हाँ प्रेजेंट है मॉड गामा एल ई पावर जे थीटा एल इसकी जगह गामा एल लिख दिया मॉड गामा एल ई पावर जे थीटा एल इसकी जगह गामा एल लिख दिया अच्छा एल की वैल्यू जीरो पुट किया एल की वैल्यू जीरो पुट करना मतलब आप कहाँ पर पहुँच गए लोकेशन कहाँ पर हो कहाँ पर रहेंगे लोड पर होंगे तो यहाँ पर जेड जीरो लिखा तो जेड जीरो यहाँ पर बैठ गए यहाँ पर ऑब्जरवर ऑब्जर्वर को इम्पिडेंस कितना दिखा जीरो लोकेशन पे जेड एल मतलब जेड जीरो पे इम्पिडेंस कितना है जेड एल इजिकल टू जेड नॉट वन प्लस गामा एल एल की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो गामा एल यहाँ मिल जाएगा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो गामा गामाइल इजिकल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है सिर्फ़ इसको याद रखना है बाकी ऊपर के डेरिवेशन को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ये मैं समझाना चाह रहा था कि सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इम्पिडेंस मिसमैच है तो रिफ्लेक्शन होगा चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन का नाम है माइक्रोस्ट्रिप लाइन एंड दिस माइक्रोस्ट्रिप लाइन इज़ कनेक्टेड विथ एन एंटीना ये एंटीना है तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस है कितना फिफ्टी और एंटीना का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कितना हंड्रेड तो देखिए यहाँ पे क्या इस जंक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा जंक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल होगा इसका 50 ओम है इसका 100 ओम है इम्पीडेंस क्या हो रहा है मिसमैच कर रहा है तो कैसे लिखेंगे 100 माइनस फिफ्टी अपॉन हंड्रेड प्लस फिफ्टी मतलब जेड एल माइनस जेड एल माइनस जेड नाट ओवर जेड एल प्लस जेड नाट रिफ्लैक्शन हुआ चलिए इस फिगर को देखिए ये स्टेप डिसकन्टीन्यूटी है क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल इसका इस ट्रांसमिशन लाइन का इस लाइन के साथ एम्पिडेंस में डिफरेंस है इसका इस वाले पोर्शन का इस वाले पोर्शन के साथ एम्पिडेंस में डिफरेंस है तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या बात समझ में आई कि सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे इम्पिडेंस मिसमैचिंग है तो रिफ्लेक्शन होगा और सिर्फ एक फार्मूला याद करके रखना है दिमाग में रखना है कि गामा एल इज़ इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट और ये भी बात दिमाग में रखनी है कि ये एक कैसी क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वी एस डब्ल्यू आर ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू वेरी मच